गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिनलैंड ने जो वीज़ा के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ किया उसके बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके भी पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली हुआ क्या है, फिनलैंड जो है उसने सभी वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए जो कि शैंगन की फाइल डाल रहे हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है। यानी पहले आपको 30 यूरो पर डे के हिसाब से फाइनेंशियल दिखाना पड़ता था, अपने फंड्स दिखाने पड़ते थे, बट अब 20 यूरोस और आपको एक्स्ट्रा दिखाने पड़ेंगे, जो कि 66% हाइक आया है। बेसिकली वहाँ के जो लिविंग कॉस्ट है उसको देखते हुए करा गया है, और अब आपको टोटल जो फंड है वो 50 यूरो फॉर ईच डे आपको अपने फंड्स शो करने पड़ेंगे। वो स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एसेट हैं उनसे शो कर सकते हैं। सो ये 1 जनवरी से वैलिड है। सो जितने भी ट्रैवलर्स जो फिनलैंड का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, शैंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उन सबको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आप मिनिमम जो है इतना फंड शो करें, और इससे ज़्यादा ही शो करें, क्योंकि वो एक प्लस पॉइंट रहता है हमेशा। सो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि शैंगन वीज़ा होल्डर्स अब 2 कंट्रीज़ और ऐड कर सकते हैं अपनी आइटनरी के अंदर, जिसमें बुल्गारिया और रोमानिया था, क्योंकि ये भी अब आई गेस शैंगन का पार्ट होने वाले हैं। सो आई होप ऐसी न्यूज़ आपको अच्छी लगती हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो। तो अगर आपको ऐसी न्यूज़ सुनते रहना है, अपडेट सुनते रहना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।